5:36 हुए अर्ली मॉर्निंग और मैं इतनी जल्दी उठ गया हूँ. हमारी 2 बजे की फ्लाइट है. योर बॉय इज ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा. सीन कुछ ऐसा है, मैं प्रॉपर सारी जर्नी रिकॉर्ड करने वाला हूँ अपनी गाइस, सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो. और आपको पता चलेगा कि मैं इंडिया टू कनाडा कैसे पहुंचा, वाया कौन सी कंट्री पहुंचा, एंड हमारा ट्रैवल रूट क्या था, और हम कौन कौन से लोग थे, हमने क्या क्या रास्ते में चीज़ें फेस करी. ईच एंड एवरीथिंग आई विल रिकॉर्ड ऑन दिस कैमरा. तुम्हारा भाई फाइनली तैयार श्यार होके एकदम रेडी एंड ऑल सेट. तो ये वैसे मेरा लास्ट रिकॉर्डिंग रहेगा इस सेटअप पे, और इसके बाद फिर हम बाहर चले जाएंगे तो हमारा न्यू सेटअप हो जाएगा, राइट. तो फिलहाल पहले मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ. पहले मैं आपको अपनी जर्नी की डिटेल्स बता देता हूँ और व्लॉगिंग का भी बता देता हूँ कि ये कौन कौन से पार्ट्स रहेंगे. और सबसे पहले तो आई विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम अमृतसर टू अल्बेनिया. सो अल्बेनिया इज अ कंट्री इन यूरोप. वहाँ पे अल्बेनिया पे मेरा पूरा एक दिन का स्टे है, और उसके बाद अल्बेनिया टू पोलैंड, पोलैंड में 5 आवर्स का ले ओवर है, एंड देन पोलैंड टू टोरंटो, राइट. तो ये है, हमारे बीच में सिर्फ 2 ही हॉल्ट है, एक अल्बेनिया है और एक पोलैंड है. और ऐसी टिकट सब भाई क्या कर सकते हैं हम. व्लॉग को मैं आई गेस आई विल बी लाइक एक अमृतसर टू अल्बेनिया बना लूंगा मैं, और फिर पार्ट टू बन जाएगा अल्बेनिया में, जो हम एक दिन घूमेंगे फिरेंगे ट्रैवल करेंगे, अल्बेनिया लोकल एक्सप्लोर करेंगे. और थर्ड डे अपना रहेगा अल्बेनिया टू वॉर्सो. अगर वॉर्सो बाहर जाने दिया तो मैं वो भी दिखा दूंगा, नहीं तो फिर वॉर्सो एंड टोरंटो वो कंबाइंड हो जाएगा. तो ये ऐसे करके हमारे व्लॉग्स रहने वाले हैं. एंड लास्ट टाइम में आई वॉन्टेड टू बी हियर स्पेशली ऐसे सेटअप में, बिकॉज ये रूम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है. स्पेशली जितने भी भाई लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स डे वन से हैं, उनको ये सारी चीजें पता है कि ये रूम मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, राइट. हम लोगों ने, मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी इसी रूम से स्टार्ट करी है. वो पीछे जो अभी ब्रिक वॉल है वो भी नहीं होती थी, और ये जो साइड पे कलर है ऑरेंज कलर वॉल ये भी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था, पूरा चेंज था ये रूम. और इस रूम में ना कोई टेबल था ना कोई सेटअप था. वो अगर मैं आपको दिखाऊं, वो जो पीछे सोफा आप देख रहे हो वो एक सोफा था, और उसके ऊपर मैं फोन को एडजस्ट करके व्लॉग्स रिएक्शंस बनाता था. और मेरे पास फोन भी, मेरे पास ये वाला था जिसके ऊपर मैं रिएक्शंस बनाता था. तो मेरी जर्नी सारी यहीं से शुरू हुई है, राइट. और अभी सुबह हो रखी है 6:15 बजे, और बाहर एग्जैक्ट बाहर हमारे घर के गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारे में जो पाठ चल रहा है उसकी रॉ वॉइस आपको आ रही होगी, और मैं चाहता हूँ कि ये रॉ ही रहे, ठीक है. हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक रहे और वैसे ये रॉ ही रहे. और इसी रूम से हमने स्टार्ट किया, इसी रूम से करते 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 लैपटॉप, देन मल्टीपल स्क्रीन्स, एंड देन कीबोर्ड, एंड देन माउस, एंड देन दिस DSLR, एंड देन माइक्रोफोन, एवरीथिंग मैंने खुद से अरेंज किया है इसी रूम में करते करते. ये रूम हमारे लिए बहुत ज्यादा लकी था, बट वी नीड टू मूव ऑन इन लाइफ. तो अब हमारी लाइफ हमें कह रही है कि आपको कनाडा जाना है, तो हम जाएंगे भाई कनाडा. और मैं क्यों जा रहा हूँ, किस बेस पे जा रहा हूँ, सो बेसिकली आई एम गोइंग फॉर माई पोस्ट ग्रेजुएशन. और मैं ग्रेजुएशन इंडिया में कर चुका था, तो मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन करनी थी, तो उसी के लिए आई हैव अप्लाइड फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी. और मैं जाने वाला हूँ एडमिंटन सिटी में, जो टोरंटो से भी आगे 5-6 घंटे के ट्रैवल पे है, वाया एयर, ठीक है, रोड नहीं. तो वो भी ब्लॉग बनेगा अलग से. इट्स लाइक कि टोरंटो अपना एडमिंटन सिटी है हमारी, और उधर जो यूनिवर्सिटी है दैट इज मैकीवन यूनिवर्सिटी, तो हम वहां जाने वाले हैं. और वहां पे जो मेरा कोर्स है दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है भाई, तो फिर वहां जाके अपन पढ़ेंगे. अपनी सारी जर्नी अब यहाँ से स्विच होने वाली है, वहां पे बहुत सारा कॉन्टेंट भी बनेगा. आई एम एक्साइटेड फॉर दिस न्यू फेस, बिकॉज कॉन्टेंट भी बनाऊंगा मैं काफी ज्यादा वहां जाके, प्लस उसके साथ साथ एक्सप्लोर करने को भी बहुत कुछ होगा. स्टडी वाइज भी मैं बहुत सारी चीजें नई नई वहां पे सीखूंगा, तो इट्स गोना बी अ गुड 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 जर्नी अहेड, राइट. आप सब लोगों के साथ शेयर रहेगी, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा व्लॉगिंग करने वाला हूँ बाहर जाके. फिलहाल यही सीन है, एंड एक बार फिर से हम घूम के अपने इस रूम को देख लेते हैं. मैं आपको दिखा देता हूँ स्विच करके कैमरा. ये देखो आप, यहाँ पे अभी सिर्फ कीबोर्ड रह गया है, लैपटॉप मैंने उठा लिया है, वो मैं साथ लेके जाऊंगा. और ये रिंग लाइट भी सब कुछ, ये स्क्रीन एंड ऑल, ये सब यहीं रहेगा. ये मेरी वॉच है जो मेरे को पहननी है जाने से पहले. तो जो हमें लिमिट्स मिली हैं वो मिली हैं 1 baggage 23 kg, सेकेंड हैंड बैग 7 kg. सिर्फ और सिर्फ 30 kg कंबाइन लेके जा रहा हूँ, और शॉपिंग मैंने यहाँ पे कम से कम 50 kg की करके रखी होगी. तो बहुत सारी चीज़ें मैंने निकाली हैं बैग में से, और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड करी हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हैं, बाकी सभी निकाल दी हैं. और मैं अकेला ट्रैवल नहीं कर रहा गाइस, ये मत सोचना कि तुम्हारा भाई अकेला जा रहा है, कैसे जाएगा. मेरे साथ साथ अगर आपको याद होगा TFF की वीडियोज़ में मेरा एक दोस्त रहता है, ऋषभ, तो हम दो दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स जो
है एक साथ ट्रैवल करने वाले हैं और मजा बहुत आएगा। फिलहाल मैं उसको कॉल करके उठा दूं। हेलो मसरू। ओ मसरू बेटे उठ जा। साले नींद आई 20 लाख कर देता लवा के तेन नींद कि आंदी है। उड़ जा ब्रो। की चीज है मेनू मेरे को एक ही डॉक्यूमेंट अच्छा। सो गाइस फाइनली वी आर एट दी अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अभी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और हमारी फ्लाइट थोड़ी देर में जाने वाली है। तो ये राज ना आज मैं इस व्लॉग में पूरी दुनिया के सामने खोलने वाला हूँ राइट, कि पंजाब का इतना सारा पैसा कहाँ जाता है। मैं दिखाता हूँ, ये देखो जहाँ तक आप देख पा रहे हो हर बंदा ऑलमोस्ट 20 लाख का है। बाय चेकिंग इन। ओए जाना कनाडा फिर रहन दे छड्ड परे यार, इत्थे आपां सन्नी चिकन ते चलदे आ। वी आर एट द वेटिंग एरिया एंड वी हैव गॉट आर बोर्डिंग पासिस एंड वी हैव गॉट आर फ्रेंड्स ऑल्सो। ये भाई हैं हमारे कुलजीत भाई और वो जशनदीप भाई। और आप भाई आप कहाँ से हो? कितना नाम? कुरुक्षेत्र। नाम कुरुक्षेत्र नहीं, नाम शुभम। एक चीज़ और बतानी थी कि हमें यहाँ पे आते हुए रास्ते में भाई कहते हैं ना जो चीज़ सही हो रही हो उसमें क्या बोलते हैं उसको रुकावटें अड़चने पंगे पढ़ते ठीक है हमारे में क्या पंगा पड़ा। जैसे हम घर से निकले तो 1 आवर की ड्राइव के बाद जलंधर में किसान धरना लग गया और उन्होंने पूरा रोड ब्लॉक कर दिया। हमें 1.5 घंटा हमारी हम घर से चले थे 8:30 चले थे, हमारी 2 बजे की फ्लाइट थी और 10 बजे के करीब जाके वहाँ पे रोड ब्लॉक हो गया जलंधर सिटी में। एंड फिर वहाँ से हमें जलंधर सिटी पार करते करते 1.5-2 घंटे वहीं लग गए एंड वी ऑल वर वरीड की फ्लाइट मिस हो जाएगी। तभी जिस दोस्त को मैंने आपसे मिलाया कुलजी, ये भाई सुबह से आ गया था यहाँ पे एयरपोर्ट पे, इसने आके हमें अपडेट दिया तुम्हारी फ्लाइट डिले हो गई है। शाम को 6 बजे की तुम्हारी फ्लाइट डिले हो गई है, तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा सही रहा, इसकी वजह से हमने टाइम पे फ्लाइट पकड़ ली। चलो चिकन तो बिल्कुल ही नहीं खाना ना भाई। वेज सैंडविच कितना? 238 रुपीज अमृतसर एयरपोर्ट। सैंडविच एंड एक वाटर बॉटल। छोले भटूरे नहीं खाने रहे। देखो अभी मैं तुम लोगों को बहुत सही चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो एयरपोर्ट पे पानी की बॉटल कितनी सुंदर है यार। ओह माय गॉड, मेरे को ये चीज़ पता है कि मेरे को बॉटल्स का ऑब्सेशन है, बड़ा गंदा सा। मेरे को अलग अलग तरह की बॉटल्स ना अट्रैक्ट करती है, सो इसलिए मेरे को ये बॉटल बहुत सही लगी। ये साथ जाएगी अल्बेनिया तक। तो ये देख लो भाई जो हमारे पास सैंडविच है, अमृतसर एयरपोर्ट इंटरनेशनल गुरु रामदास जी एयरपोर्ट, ये पनीर टिक्का सैंडविच। गैस व्हाट गाइस, गेस वॉट कैंटर। हालांकि इसकी सीट कुछ और है, वो पीछे है, बट मैंने इसको अपने साथ बैठा लिया और जिसकी मेरे साथ वाली सीट होगी मैं उससे बात करके सेटिंग बैठा लूँगा, उसको बोल दूँगा कि इट्स प्रोफेशनल मैगनेट या मैगनेट टी वी पर शाउट आउट का वो दे के थोड़ा बहुत विल मैनेज। इंजन ऑन गाइस, वो देखो मिलिट्री बेस। I want you back in my life, I want you back in my home, I want you back on my bed, wait, maybe I don't. Mujhe lota de tu feelings, mujhe lota de tu time, aukaat se zyada di izzat, I don't want it back, you cannot pay the price, I was upset then I realized you. So, hum pahunch chuke hain Yerevan, aur ye hamara unexpected stop tha, maine pata tha yahan pe bhi rukni hai flight, aur yahan se lagenge abhi 3 ghante, hamara Tirana airport se. जहाज का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, सो अब हम यहाँ से फिर से चलेंगे एंड
फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉप अल्बेनिया, ठीक है? एंड राइट नाउ वी आर इन अर्मेनिया. अर्मेनिया में एज पर गूगल मैप्स, एज पर गूगल मैप्स वी आर इन अर्मेनिया. अर्मेनिया में यरेवन. एज पर स्नैपचैट वी आर इन टर्की. So guys, we finally reached our destination. That was Albania, right? So अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा plane land हुआ. If you guys can see that, वो ये वाला, तो ये plane land हुआ था और अंदर से सब immigration process हम सब करवा के बाहर आए हैं और ये proper airport है Albania का. यहाँ पे now we are waiting for our bus/taxi to get us to our hotel room. Our hotel is Skruja. भाई पूरा हाल हो गया था flight में. To be honest, बुरा हाल है. टेम्परेचर वॉज लो, बहुत ठंड लग रही थी, गंदी वाली ठंड. तभी देख रहे हो मैंने जैकेट वैकेट पहन ली निकल के बाहर, तो ठंड लग रही थी बहुत गंदी वाली. फिर उसके साथ नींद भी बहुत ज़्यादा आ गई थी, लास्ट मोमेंट पे नींद आ गई थी भाई बहुत ज़्यादा. लास्ट मोमेंट पे तो ये हाल हो गया था कि जैसे मर्जी करके बस छोड़ दो भाई, बेड दे दो, हमें सोना है. मेरे पहुँच गए, पहुँच गए कनेडा मेरे. हमारी हाल है. हेलो हाय. हेलो, हमारा कोविड टेस्ट होटल में होएगा, राइट? नाउ वी नीड टू आस्क समवन. क्रूया क्रूया होटल होटल दिस ब्लू बस. एक्सक्यूज मी सर, आई हैड वन मोर क्वेश्चन. तैयारी, व्हाट अबाउट आवर कोविड टेस्ट? इज इट गोना बी एट द होटल? सॉरी, लंदन एंड द सीएनई. अभी इसमें हम लोग अपना सामान रख के अपने होटल तक पहुंचेंगे. मेरे को यार उसको कोविड का पूछना है यार. Ask you a question about our COVID test. Where is gonna happen? Is it will be at the airport or it's gonna be at the hotel? 25 minutes. 25 minutes. First 25 minutes. Okay. Thank you sir. Thank you sir. क्या है ना? अपना कोविड टेस्ट होटल में होएगा 25 मिनट्स के अंदर अंदर. तो गाइस हमें इंडिया के कुछ और फ्रेंड्स मिले हैं यहाँ पे. भाई क्या नाम है? सिद्धांशु. सिद्धांशु कविश. कहाँ से? गंगानगर. गंगानगर, अरे वाह. और आप दोनों गंगानगर इकट्ठे फ्रेंड्स? इकट्ठे. अरे वाह क्या बात है. हमारी तरह हम भी लुधियाना से इकट्ठे फ्रेंड्स. कहाँ जा रहे हो? रैम्पटन. एक्स नाइस. सिद्धू मूसे वाले को चलो चल आप चलिए यार. चलो यार सीट में लकी है भरावा, इतने मिलते नहीं होंगे. अरे बैग आने नहीं ऊपर, बैग नहीं आने ऊपर. सो गाइस अब मैं वापस वॉशरूम आया था, तो मैं आपको वापस से एयरपोर्ट दिखा देता हूँ. वहाँ से पीछे वो जो येलो कलर की आपको दिख रही है जगह, वहाँ से हमने एंट्री करी है और हमारी बसेस इस साइड पर खड़ी हुई हैं सारी. तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आर होटल. एक चीज़ जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको नोटिस कराता हूँ, मैं पूरे एयरपोर्ट का लुक दिखाता हूँ. ये चेक करना स्टूडेंट्स कितने हैं, ये देखना आप. यहाँ से देखो ये पूरा ग्रुप इंडियन स्टूडेंट्स का है और वो पीछे पूरा इंडियन स्टूडेंट्स का ग्रुप है और ये पीछे सारा एवरीबडी स्टूडेंट. यंग बच्चे हैं सारे, यंग चेहरे दिखेंगे आपको. ये तो चलो इनका अपना नेटिव लोग बैठे हुए अपना पार्टी वार्टी कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, बट मेजरली यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स हैं. एंड स्पेशली टूवर्ड्स दैट बस साइड, वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स हैं. बाकी होटल का व्लॉग विल बी पार्ट टू. वो आपको हम सारा होटल कैसा है वो सारा पार्ट टू में दिखाएंगे. सो स्टे ट्यून, लाइक एंड शेयर.